प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये मुक्तिबोध की रचना है, खोल आँखें। शीर्षक से अवतरित है ये जो पद है। इसमें नवचेतना एवं नवजागरण का संदेश देते हुए कवि ज्ञान लिप्सा रखने की प्रेरणा देते हैं। ज्ञान लिप्सा कहते हैं ज्ञान को जानने की इच्छा जागृत होना, लालायत होना, उसको ज्ञान लिप्सा कहते हैं। देखो, मैं इसको एक बार पढ़ता हूँ, फिर इसके शब्दार्थ भी बताएंगे आपके लिए। वह महाव्याकुल अनावृत ज्ञान लिप्सा, वह महाव्याकुल अनावृत ज्ञान लिप्सा रख रही निज में अनावृत एक सपना, रख रही निज में अनावृत एक सपना, सहस्रों स्वर्गीय स्वप्नों से बृहतर, सहस्रों स्वर्गीय स्वप्नों से बृहतर स्वप्न का वह व्योम नीला, प्राण पृथ्वी पर झुका है, प्राण पृथ्वी पर झुका है, उस महाव्याकुल अनावृत ज्ञान लिप्सा, उस महाव्याकुल अनावृत ज्ञान लिप्सा के क्षितिज पर जो खिंचा है स्वप्न, श्रावण सांझ के वितरित घनों पर, श्रावण सांझ के वितरित घनों पर अमित नीला जामनी अति लाल सुंदर, अमित नीला जामनी अति लाल सुंदर, दिवस की बरसात को सूर्यास्त का चुंबन, दिवस की बरसात को सूर्यास्त का चुंबन की ऐसा अद्वितीय आश्चर्य में, ऐसा अद्वितीय आश्चर्य। तो देखो बच्चों, ये कवि खोल आँखें कविता से लिया गया है। कवि मुक्तिबोध द्वारा खोल आँखें कविता से लिया गया है। तो देखो, इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं मैं उन्हें बता देता हूँ। अनावृत, ये शब्द है अनावृत। अनावृत का मतलब होता है जो बिना ढका हुआ होता है, आवृत ढका हुआ, अनावृत बिना ढका हुआ, खुला हुआ। तो ये खुले के लिए अनावृत शब्द का प्रयोग किया गया है। अनावृत का मतलब है खुला हुआ या स्पष्ट, खुला हुआ। अनावृत का अर्थ क्या होता है? खुला होना या स्पष्ट होना। ज्ञान लिप्सा, ज्ञान लिप्सा का मतलब है ज्ञान की इच्छा होना, ज्ञान प्राप्त करने की, प्राप्त करने की इच्छा होना, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होना। सहस्र माने हजारों, सहस्र माने हजार। व्योम, व्योम का मतलब होता है आकाश। क्षितिज, क्षितिज कहते हैं धरती और आकाश के मध्य, क्षितिज कहते हैं धरती और आकाश के मध्य। सांझ, सांझ कहते हैं सूर्यास्त के समय, जब सूर्यास्त होती है तभी सांझ होता है, जिसे संध्या भी कहते हैं। दिवस माने दिन और आश्चर्य में अनोखा,
आश्चर्यमय का मतलब होता है अनोखा। अनोखा होता है। और वैसे इसमें ऐसे कोई शब्द नहीं है, जो आएगा तो हम बता देंगे। तो देखो हम इसका अर्थ करते हैं, वह महाव्याकुल अनावृत ज्ञान लिप्सा रख रही निज में अनावृत एक सपना। देखो ये जो पद है इसमें, ये मुक्तिबोध द्वारा रचित शीर्षक खोल आंखें से लिया गया है, इसमें एक नव चेतना एवं नवजागरण का संदेश देते हुए एवं ज्ञान ज्ञान की इच्छा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने की प्रेरणा देने का प्रेरणा देने के लिए कवि ने कहा है। कवि ने प्रेरणा दी है कि ज्ञान की इच्छा, ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति को रखनी चाहिए। तो देखो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा देश ऐसा देश है जो ज्ञान की, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से बहुत व्याकुल और बेचैन हो रहा है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से बहुत व्याकुल और मतलब व्याकुल और बेचैन हो रहा है। वह महाव्याकुल अनावृत ज्ञान लिप्सा देख रख रही निज में अनावृत एक सपना। कवि कहते हैं कि जो हमारा देश है वो ज्ञान की प्राप्ति की लालसा रख रहा है, बेचैन हो रहा है ज्ञान प्राप्ति के लिए। उसके हृदय में अपने सुनहरे भविष्य के सुनहरे सपने उभर कर के सामने आ रहे हैं। उसके हृदय में सुनहरे भविष्य के स्वर्णिम सपने उभर करके सामने आ रहे हैं। वह उन सपनों को पूरा करने के लिए बड़े से बड़े कार्य करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करता है, वह उत्सुक होता है। इस कारण उसके सपनों का जो आकाश है, जो सपनों का संसार है, जो सपनों की दुनिया है उसको व्यापक एवं विस्तृत बना दिया है। उसके सपनों का जो संसार है उसको अत्यंत ही विस्तृत बना दिया है, व्यापक बना दिया है। प्राण पृथ्वी पर झुका है उस महाव्याकुल अनावृत ज्ञान लिप्सा के क्षितिज पर जो खिंचा है स्वप्न। देखो कवि कहते हैं कि व्यक्ति नवजागरण एवं नवचेतना की लालसा से इतना उत्साहित होता है, इतना उल्लासमय होता है, इतना उल्लसित होता है कि उसकी सारी जो आकांक्षाएं वो धरती और आकाश के बीच फैल रही हैं। उसकी सारी आकांक्षाएं धरती और आकाश के बीच फैल रही हैं, क्षितिज पर फैल रही हैं। जो उसकी इच्छाएं वो धरती और आकाश के मध्य फैली हैं। कि कवि कहते हैं कि वह शोषित पीड़ित लोगों का देश है, जो भारत देश है हमारा, वह शोषित और पीड़ित लोगों का देश है। उसके सपनों की पूर्ति होना एक आश्चर्यमय घटना हो सकती है। श्रावण सांझ के वितरित घनों पर अमित नीला जामनी अति लाल सुंदर, दिवस की बरसात को सूर्यास्त का चुंबन की ऐसा अद्वितीय आश्चर्य। कवि कहते हैं कि जैसे जो श्रावण का महीना होता है, जैसे श्रावण महीने की संध्या को या सांझ को आकाश में बादल उमड़ आते हैं, चारों तरफ घराते हैं, तो उन पर जो सूर्य सूर्यास्त के समय अस्ताचलगामी सूर्य कहते हैं जिसे, अस्ताचलगामी सूर्य की जो किरणें हैं वे सुनहरी, जो स्वर्णिम किरणें हैं, उन किरणों के पड़ने से वे नीली जामनी तथा अत्यधिक लाल रंग की एक अनोखी आभा से मंडित हो जाते हैं। क्यों? बादल,
उस सूर्यास्त के समय जब बादलों की सूर्यास्त के समय जो सूर्यास्त की जो किरणें बादलों पर पड़ती हैं तो वो विभिन्न प्रकार के रंगों में दिखाई देती है और वह दृश्य एक अत्यंत मनोरम या मनोहर प्रतीत होता है। कवि कहते हैं कि ऐसा उन लोगों के सपनों का संसार है और ये जो अत्यधिक सुंदर है और ये आश्चर्यमय है, आश्चर्यजनक है, अनोखा है। कवि इसमें क्या है कि नवजागरण की भावना का संदेश देते हैं और ये जो भाषा है इसकी तत्सम शब्दावली से युक्त है। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट पद है इसी का, तो इसको हम पढ़ते हैं। वह ज्ञान लिप्सा क्षितिज सपना, वह ज्ञान लिप्सा क्षितिज सपना, रे वही तुझमें अनेक स्वप्न देगा, रे वही तुझमें अनेक स्वप्न देगा, औ अनेक सत्य के शिशु, औ अनेक सत्य के शिशु नव हृदय के गर्भ में द्रुत आ चलेंगे। आत्मा मेरी उस ज्वलन की भूमि में तू स्वयं विचले, आत्मा मेरी उस ज्वलन की भूमि में तू स्वयं विचले, देख जलते स्पंदनों में, देख जलते स्पंदनों में क्या उलझता ही गया है, देख जलते स्पंदनों में क्या उलझता ही गया है। तो देखो ये मैंने पहले ही समझा दिया था कि नवजागरण की भावना को व्यक्त किया गया है। कवि ने अपने ये संदेश दिया है कि देश में नवजागरण की भावना चारों तरफ व्यापक रूप में फैलनी चाहिए, सबके हृदय में नवीन चेतना जागृत होनी चाहिए। तो देखो कवि कहते हैं कि इस धरती और आकाश के मध्य में, अर्थात क्षितिज पर, इस धरती और आकाश के मध्य में ज्ञान की प्राप्ति की जो लालसा है, ज्ञान की प्राप्ति की जो लालसा है, उस लालसा का सपना ही तुम्हारे भविष्य को एक नवीन चेतना उत्पन्न करेगा। जो लालसा का सपना है, ज्ञान प्राप्ति की जो लालसा है, वो लालसा का सपना ही एक नवीन चेतना जागृत करेगा तुम्हारे भविष्य में। कवि कहते हैं कि हे मानव, वही सपना तुम्हारे हृदय में अनेक सपनों को साकार करेगा। जो वह सपना है तुम्हारे हृदय में अनेक सपनों को साकार करेगा। जो वे सपने वे अति शीघ्रता से पूरे होते चले जाएंगे। जो तुम्हारे सपने हैं मन में, जो तुमने मन में जो विचार किए हैं, जो भविष्य के लिए कुछ सोचा है, कुछ करने के लिए देश के लिए, वो सपने तुम्हारे अति शीघ्र ही पूरे हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। आत्मा मेरी उस ज्वलन की भूमि में तू स्वप्न स्वयं बिछले, देख जलते स्पंदन में क्या उलझता ही गया है। कवि कहते हैं जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, उस शिशु के कोमल हृदय की तरह वे सब सपने सत्य में ढल जाएंगे। जो सपने वे सत्य में ढलते चले जाएंगे और उसके लिए अति शीघ्र शुभ फल में परिणत हो जाएंगे। मतलब वो जो सपने उसके वो पूरे हो जाएंगे। मतलब किस में? शुभ फल में, अच्छे काम में। उसकी जो इच्छाएं, जो भी सोच रहा है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी और उस दशा में जो मनुष्य है वो स्वयं को अत्यधिक कठोर परिश्रम, मनुष्य को अत्यधिक कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। उन सपनों को पूरा करने के लिए मनुष्य को अत्यधिक बिना रुके, बिना थकान के कठोर परिश्रम करना पड़ेगा और अनेक कष्ट भी झेलने उसे पड़ेंगे, उसे अनेक समस्याओं से सामना करना पड़ेगा। तो कवि कहते हैं कि उस स्वप्निल भूमि में
जो वह स्वप्न है उस सपनों की दुनिया में व्यक्ति स्वयं को समर्पित करने से ही, व्यक्ति स्वयं को समर्पित करने से ही जो उसके हृदय की धड़कन है उस हृदय की धड़कन शांत हो सकती है। जब वह पूरे तरह से समर्पित हो जाएगा तब उसके हृदय की धड़कन शांत होगी, स्पंदित होती हुई तभी रुक सकेगी और नवचेतना का संचार भी बढ़ता चला जाएगा। कभी कहते हैं कि मन उसी में उलझा सा रहेगा, तुम्हारा मन है जो उसी में उलझा सा रहेगा सपनों की दुनिया में और तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये जो देश है वो नव चेतना की ओर अग्रसर होगा, नव चेतना का संचार उसमें बढ़ता ही चला जाएगा। धन्यवाद।